सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानों के चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानों के में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड एक नई वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे, जैसे कि आप आवेदन कर देते हैं और आवेदन करने के बाद जब स्टेटस चेक करते हैं तो काफ़ी दिन तक आपका जो आवेदन रहता है, यहाँ जब आप स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड में देखते हैं तो यहाँ आपका पेंडिंग दिखाता है और इसके बाद यहाँ से भी हट जाता है। और आप जब स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ आपको बोलता है कि आपने जो नंबर दिया है वो गलत है, या आपने आपका जो ये नंबर दिया है इससे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है। तो ये क्यों दिखाता है और इसका क्या मतलब होता है, तो आपको बता देते हैं। इस तरह से जैसे कि अब जब हम स्टेटस देखने के लिए इस पेज पे आते हैं तो यहाँ हम अपना आधार नंबर डालते हैं, इस तरह का एक मैसेज दिखाता है हमें, इधर डिटेल्स आर नॉट रजिस्टर्ड इन द पोर्टल और रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग डिटेल्स। तो दोस्तों, यहाँ दो जानकारी दे रहा है कि या तो जो आपने जो जानकारी जो दी है, जो डिटेल्स आपने भरी है, उस डिटेल से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है इस पोर्टल पे, या फिर गलत जानकारी देने के कारण आपका जो आवेदन है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ से जब हम स्टेटस देखते हैं अपना इस तरह से, तो इस स्टेटस में मैं आपको बता देता हूँ, इस स्टेटस में जैसे कि हमारा जो फार्मर नेम दिखाता है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अकाउंट नंबर, IFC कोड, ये जो हम देते हैं। तो दोस्तों, ये जब हम हमारे आवेदन फॉर्म में, कई बार क्या होता है कि हमारा जो, जैसे कि हमने यहाँ आधार नंबर भरा है, तो आधार नंबर जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं ये आवेदन जो है काफ़ी पुराना है, 2019 का है। तो जिन लोगों ने पहले आवेदन किए हैं उन लोगों का ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन किया है, और उस समय तक ऑनलाइन जो फॉर्म था उसमें भी आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नहीं था। तो आधार नंबर अगर एक अंक भी गलत हो गया तो आपका जो है, अब जब आप सही आधार नंबर से आप आवेदन जो स्टेटस देख रहे होंगे जो कि आपने आवेदन में दिया होगा, लेकिन एक अंक भी अगर आपका गलत हो गया होगा तो आपको फिर यही मैसेज दिखाएगा, क्योंकि कुछ दिन तक वो हो सकता है दिखाए, और इस तरह से अगर आपको दिखाए तो आप ये देख सकते हैं। और दूसरा कारण, अगर आपका पेंडिंग में दिखा रहा है बहुत समय से, जैसे कि हमारे वीडियोज़ के कमेंट में काफ़ी जो हैं भाई हमारे, उन्होंने बताया है कि उनका 6-6 महीने से आवेदन जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, पेंडिंग में आवेदन होने का यही मतलब होता है, अगर आपका आवेदन पेंडिंग में है, आपको दिखा रहा है कि आवेदन पेंडिंग में है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी या तो कोई जानकारी गलत है, या आपने जो उसमें और डिटेल्स दी हैं उसमें कोई ना कोई गलती हुई है, इसलिए आपका आवेदन जो है अप्रूव नहीं हो रहा है। अप्रूव नहीं होने का कारण ये है कि अगर एक बार स्टेट लेवल से अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो दोबारा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, और वो अधिकारी भी उसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको तहसील में जाके या पटवारी लेखपाल से मिलके आपको जानना होगा कि आपकी क्या चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट है, क्या जानकारी गलत है, क्या डॉक्यूमेंट गलत है, उनसे मिलके आपको, उनसे सलाह करके, उनसे बात करके, तब आपको जो है जो भी जानकारी जो गलत है वो आपको सही करवा लेनी है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जो जब आप एक बार अपना जो पेंडिंग में स्टेटस देखते हैं, तो पेंडिंग में यहाँ से आपने इस तरह से यहाँ से अपना स्टेटस देख लेना है, और यहाँ से स्टेटस देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपका जो स्टेटस आता है कुछ इस तरह का आएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह का आपका स्टेटस आ जाता है। तो आपने क्या करना है, उस स्टेटस को भी प्रिंट करके साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आपने लेखपाल को मिल लेना है। तो दोस्तों, आपकी समस्या का सारा समाधान जो है वो लेखपाल कर पाएंगे, पटवारी कर पाएंगे, तहसील में ही हो पाएगा। तो अगर आपको स्टेटस में या तो इस तरह का कुछ मैसेज दिखाता है, इधर डिटेल्स आर नॉट रजिस्टर्ड इन द पोर्टल और रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग डिटेल्स, या फिर आपका पेंडिंग में दिखा रहा है स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन दोनों कारणों के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट में ही जाना होगा, पटवारी से ही मिलना होगा। क्योंकि एक बार आपने अगर अपना आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो भी आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको एक बार रिजेक्ट कर दिया है तो भी आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं, जब तक कि जो आपको तहसील में जाके खुद पता न कर लें कि क्या गलती हुई है। तो दोस्तों, आपने इस तरह से यहाँ से एक बार चेक करके, सारी जानकारी चेक करके एक बार तहसील में आपने कॉन्टैक्ट करना है, और तभी जाके आपका ये जो समस्या है इनका समाधान हो पाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।